ये मलिक्स कंटेंट के लिए कुछ भी कर देंगे, कोई भी झूठ बोल देंगे। अब कंटेंट की तलवार मनीषा के कंधे पर रखकर चलाई जा रही है। मनीषा रानी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। पायल मलिक ये दावा कर रही है कि मनीषा ने उन्हें ऑडियो मैसेजेस किए हैं कि प्लीज मुझसे एक बार बात कर लो। सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखिए। मनीषा रानी जी, वॉइस मैसेज आ रखे हैं, प्लीज बात करो। ठीक है मनीषा रानी, ले सुन ले। और दी प्लीज, हो सके तो मुझे एक बार मुझसे वीडियो कॉल में बात कर सकते हो आप? मेरी बेटी है ना, वो यान तुबा और जेद की बहुत पसंद करती है। तुबा तोड़। मनीषा रानी जी, बॉस वन वॉइस मैसेज आ रखे हैं, प्लीज बात करो। ठीक है मनीषा रानी, ले सुन ले। और दी प्लीज, हो सके तो मुझे एक बार मुझसे वीडियो कॉल में बात कर सकते हो आप? मेरी बेटी है ना, वो यान तुबा और जेद की बहुत पसंद करती है। तुबा तोड़। वेल, इस वीडियो में औरत की आवाज मनीषा की आवाज नहीं है, ये कोई भी बता देगा। दूसरी बात, औरत कह रही है कि मेरी बेटी जैद तूबा आयान की फैन है। मनीषा की तो शादी ही नहीं हुई पायल। बताते चलें कि पायल का ये ड्रामा देखने के बाद मनीषा के फैंस को काफी गुस्सा आ गया है। मनीषा के फैंस इस वीडियो को देखने के बाद पायल पर भड़क रहे हैं। कोई लिख रहा है, मनीषा की आवाज नहीं है, झूठी, कितना गिरेगी तू, स्लिम फिट पहन और अपनी दूसरी तीसरी। ओहो, आगे का कमेंट तो पढ़ने लायक भी नहीं है। वहीं दूसरी यूजर ने लिखा, ये मनीषा की वॉइस नहीं है, क्या घटिया लोग हैं ये, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कंटेंट बनाते हैं, ये पायल सबसे ज्यादा बेकार औरत है। पायल, पहले ही आप लोगों को बहुत गालियां पड़ती हैं, क्यों और गाली खाने वाले काम करती हैं आप? फाइनल कट, न्यूज डेस्क।